हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू क्रेजी श्रुति व्लॉग। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को गेंदा का फूल दिखाई, इसे कहते हैं चावल गेंदा। तो कुछ इस तरीके से फ्लावर के साथ हमारे व्लॉग की स्टार्ट होती है। और इसमें ना हनी हनी बोलती हूँ, वो क्या बोलते हैं, मधुमक्खी आ रहा है और अपने लिए हनी कलेक्ट कर रहा है उसका ना, मैं दिखाऊँगी कभी। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन, तो यहाँ पे ये मैदा है, तो हम बना रहे हैं नमकीन। नमकीन हम लोग क्या बोलते हैं, नमकीन, हाँ, जो नमक पारे होता है ना उसी को नमकीन बोला जाता है। तो सबसे पहले हमने मैदा निकाला है, टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देंगे नमक। और ये क्या है, ये है ना सोडा, है सोडा या बेकिंग सोडा, कुछ भी थोड़ा सा डाल दो थोड़ा सा। और ये है कलौंजी, और इसे अच्छे से डाल देना है। और ये है गरम तेल, और गरम तेल को भी इसमें अच्छे से मतलब डाल देना है। आप लोग इतना डालें कि वो ना एक बाइंड हो जाए, मुट्ठी सा बाइंड, इसको मिक्स करें तो एक मुट्ठी सा बाइंड हो जाए, दिखाते हैं आप लोगों। तो इसे ना अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर लिए हैं, और ये मुट्ठी बांधने पे इस तरीके से हो रहा है, अच्छे से बाइंड हो जाता है और इसे टूटने से टूट जाता है। अब इसे पानी में, हल्का गुनगुना पानी में मैंने घूंट लिया है, मैंने नॉर्मल ही घुटा है। और इसका प्रॉपर मैं आप लोगों को नेक्स्ट भी दिखाऊंगी, वैसे दिखाना आज ही था इसी व्लॉग में, बट मैं दिखा नहीं पाई, मतलब मार्केट जाना हो गया हमको। तो इसको ना हम लोग मतलब फ्रिज में रख दिए, वैसे 10 से 20 मिनट का रेस्ट देते हैं, बट हम लोग फ्रिज में इसको रख दिए थे। और क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे है बर्ड, यहाँ पे बनाता है इसलिए हम लोग हटाते नहीं हैं। और यहाँ पे मम्मी उड़द का दाल पीस रही है, ये वड़ा बनाने के लिए है। हमारे साइड मतलब इसको एक दिन पहले पीसते हैं ना, तो ये अच्छे से बनता है। और यहाँ पे इस तरीके से मम्मी पीस ले रही है सारे दाल को, इसमें सिर्फ दाल और थोड़ा सा चावल का मिक्स है। और यहाँ पे फिर से बोर्ड को दिखा रही हूँ, और ना ये क्या बोलते हैं इसको, ये पीसने वाला पत्थर है ना, उसी में पीसते हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है। और यहाँ पे रिचर का कुछ सामान आया है नायका से, तो इसको मैंने रिसीव कर लिया है, और इसको हम रख देते हैं, थोड़ा देर में ही दिखाएंगे क्या आया है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ अनार, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ना हम लोग सामान नहीं खोल पा रहे थे, इतना पैकिंग करते हैं ना, और ये खुल गया है, और एक एक करते दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे रिचल का सामान आया है, और ये डॉट एंड की जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को लास्ट नहीं, लास्ट के कुछ दो तीन चार व्लॉग में बाद वाला में मैंने दिखाया होगा ये प्रोडक्ट डॉट एंड की का। तो ये रिचल भी सेम मंगवाई है, और उसमें मतलब ये देखो, ये बाय वन गेट वन फ्री है, एक बड़ा के साथ एक छोटा फ्री। और यहाँ पे उसने ये सनस्क्रीन के साथ ये एक लिपस्टिक फ्री है, और ये फेसेस कनाडा की तरफ से है, और ये बहुत अच्छा है, इसका पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ है। और फेसेस कनाडा इसमें जो प्राइस लिखा हुआ था ना, वो आई थिंक 600 और 700 था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अच्छा था इसका यार, पिगमेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा था। और ये नायका से मंगवाई है, और क्या बोलते हैं, नायका को भी मतलब जो डॉट एन की है ना जो ब्रांड, मतलब वो करता है, क्या करता है, मतलब बेचने का वो देता है, परमिशन देता है, आई थिंक यही बोलना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐप होता है ना, उसमें बेचने का ये परमिशन होता है। और ये देखो फेसेस कनाडा का, ये बहुत अच्छा कुछ न्यूड सा शेड है, बहुत अच्छा है। वैसे ना मेरे में तो क्या बोलते हैं,
ये कलर मैंने लगाया था ना, तो उतना मुझे जमा नहीं। फिर उसके बाद एक लिप शेड और लगाई, तो इसमें बहुत अच्छा सा शेड बन के आया। मुझे ऐसे तो बहुत अच्छा है, बट ना लिप में जाने के बाद वो शूट नहीं कर रहा था आई थिंक। फिर ये ना लिक्विड क्या वाला है लग बोलते रहा हैं, है मेरे मैंने को अभी एक तो शेड ज़्यादा। और लगाया लिप लाइनर के साथ, देन अच्छा वो सा बहुत अच्छा सा हैंड मतलब लग एक चुका है। कलर हैंड आया। मेरा देते हैं गाइस, अच्छा सेड है बन गया। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और देखो हमारे यहाँ का रोड ऐसे कुछ है। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट जो भी शहर है अच्छा है ना। देखो कितना सुंदर शहर है हमारा, बट कहीं कहीं पे रोड बहुत ख़राब मिलेगा आप लोगों को। तो जैसे क्रिसमस है तो सारे सामान ऐसे मिल रहे हैं, और मैं यहाँ पे शॉप में आ गए हैं हम लोग, और फर्स्ट सेकंड काउंटर जा रहे हैं। गर्ल्स सेक्शन होता है सारे यहाँ पे ना, एक एक शॉप है वहाँ जा, तो वहाँ पे मैन वोमेन किड्स ये सारी चीज़ का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आए हैं, हम लोग ये हाँ गर्ल्स सेक्शन में आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह देख रहे हैं। यहाँ ना बच्चे लोग भी आ करके मतलब ना स्कूल से आ करके मतलब क्या बोलेंगे, एज अ स्टाफ काम कर रहे थे, क्या बोलें, इतना मेहनत यार। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेंस के सेक्शन में, यहाँ पे पापा लोग कुछ ले रहे थे तो यहाँ पे हम लोग आ गए। और यहाँ पे हम लोग ने सबके लिए कपड़ा ले लिया है, और ये हम क्रिसमस शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पिए गाइस, और ये वॉइस ओवर में ना कितना सेकंड टाइम कर रही हूँ, सेकंड या थर्ड टाइम कर रही हूँ, मेरे से ना गलती से डिलीट हो जा रहा था। और ये देखो मैं क्या व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या व्लॉगिंग कर रही हूँ, बट पकड़ी थी और मैं डाल दी यहाँ पे। और यहाँ पे ले रहे हैं पापा लोगों के लिए कपड़ा, और जैसे कि मैंने बताया हम कर रहे हैं क्रिसमस का शॉपिंग। और उसके बाद पापा लोगों का शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ पे आए मम्मी लोगों का, और मम्मी नहीं आई थी हम लोग के साथ, तो मम्मी को चलो बोले बट वो नहीं आई, तो हम लोग ने उनके लिए ही 2-3 जोड़ा जो भी साड़ी था, दो नहीं 3 जोड़ा लेकर के आए हैं साड़ी मम्मी के लिए, तो वो दिखाएंगे आप लोगों को शायद क्रिसमस डे के दिन दिख जाए। तो यहाँ फिटिंग वगैरह आधा हो गया और आधा हम लोग का कल आएगा। और यहाँ पे ये देखो हम लोग 2 बजे के अराउंड आए थे, और अभी हो गया है 10 बज रहा है, 9:30 10 बजने ही वाला था, और हमारे 9:30 बजे ना मार्केट बंद हो जाता है। और ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो भी क्रिसमस का शॉपिंग है वो क्रिसमस डे में ही दिखेगा, जो ड्रेस वगैरह है उसी दिन दिखाएंगे, तो आप लोग जरूर देखना हमारा व्लॉग आगे का। और यहाँ पे मम्मी के लिए पानी पूरी ले रहे हैं, और सब कुछ ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, ये थोड़ा बहुत बचा हुआ था क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पापड़ी बनवा लिया, और 3 बनवाया था, एक रिचल का था, एक मेरा था, और एक मम्मी का। और ये देखो 10 रुपीज़ में केवल 4 पीस मिलता है यहाँ पे। तो गाइस हम घर भी पहुँच गए हैं, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।